छात्राओं को दिया रिंगाल से विभिन्न सामग्रियों को बनाने का प्रशिक्षण। जनपद चमोली के सीमांत क्षेत्र जोशीमठ के राजकीय इंटर कॉलेज गढ़ाई में रिंगाल मेन राजेंद्र बड़वाल ने छात्र छात्राओं को रिंगाल से विभिन्न सामग्रियों और कलाकृतियां बनाने का प्रशिक्षण दिया, जिसे छात्र छात्राओं ने बड़ी तन्मयता से जानने और सीखने का उत्साह दिखाया। राजकीय इंटर कॉलेज गढ़ाई के छात्र छात्राओं को रिंगाल मेन राजेंद्र बड़वाल ने रिंगाल से बनाए जाने वाले विभिन्न उत्पाद का प्रशिक्षण दिया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने रिंगाल के उत्पाद को बनाना सीखा। बता दें, पहाड़ों के जंगलों में बांस प्रजाति का रिंगाल बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जिससे पुराने समय से ही विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां और बर्तनुमा सामग्रियों को बनाया जाता है, जिसमें रखे अनाज और भोजन सुरक्षित और स्वच्छ रहते हैं। इसके निर्माण से उस समय में रिंगाल से बनाए गए उत्पादों से लोगों की आजीविका भी चलती है, लेकिन समय के साथ ये कला लुप्त होती जा रही है, जिस कारण आज की पीढ़ी इसके प्रयोग से वंचित रह रही है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो इसका प्रयोग का नया आयाम देकर लोगों को प्रशिक्षण देने का बीड़ा उठाकर स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिकी को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही जोशीमठ क्षेत्र के रिंगाल के उत्पाद के कलाकार हैं राजेंद्र बंडवाल, जिन्हें रिंगाल मैन के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र बंडवाल स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को रिंगाल से विभिन्न सामग्री कलाकृति को बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने जोशीमठ विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज गढ़ाई में वहां के छात्र छात्राओं को रिंगाल से विभिन्न सामग्रियों और कलाकृतियों को बनाने का प्रशिक्षण दिया, जिसे छात्र छात्राओं ने उत्सुकता के साथ जाना तथा सीखा। इस अवसर पर राजकीय इंटर कॉलेज गढ़ाई के शिक्षक राकेश कुंवर, कविता देवी, ललिता रावत, विमला भाटिया, दीपक नेगी, परिचायक सरिता देवी, सुशील कुमार, ग्रामीण रमेश मज्जाडी सहित विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया। मेरे द्वारा यहाँ पे बच्चों को रिंगाल का प्रशिक्षण दिया गया और इसमें जैसे टोकरियाँ हो गई, डस्टबिन हो गया, कलम हो गई, कलमदान हो गई, इस तरह के उत्पाद बनाना सिखाए गए और बच्चों द्वारा बहुत अच्छा सा सिखाया गया है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे भविष्य में भी सीखते रहें और इससे रिंगाल से बनने वाले उत्पादों से मतलब हमें पर्यावरण से भी सुरक्षा मिलती है, क्योंकि प्लास्टिक आज देश में मतलब पर्यावरण को नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहा है और रिंगाल से बने हुए उत्पाद पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं, क्योंकि ये सड़ने और गलने के बाद मतलब मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में बच्चे इस तरह के उत्पाद बनाए रहें, जिससे हम अपनी आजीविका भी। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार, मैं राजकीय इंटर कॉलेज गढ़ाई मोल्टा से कक्षा 12वीं का छात्र। यहाँ पर हमारे सर द्वारा रिंगाल से बनने वाले उत्पादों का प्रशिक्षण कराया गया, जिसमें हमने टोकरी और डस्टबिन बनाना सीखा और हमें इन उत्पादों को बनाने में बहुत आनंद आया। और हम यहाँ चाहते हैं कि सर द्वारा यह प्रशिक्षण समय समय पर कराया जाए। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।